एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्टाइल कॉर्नर बाय श्वेता। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि की कुछ टिप्स। एंड आई होप आपने मेरी पहले वाली नवरात्रि की दोनों सीरीज देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो ये है नवरात्रि की थर्ड सीरीज एंड इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि सीजन के कुछ टिप्स जो कि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे नवरात्रि में। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। तो गाइस, नवरात्रि और गरबा में मिरर का वर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब वो मिरर एकदम से शाइन करते हैं। तो इसलिए मिरर वर्क जरूरी है अगर आप कुछ भी अपने कॉस्ट्यूम में वियर करें। लाइक अगर आप चनिया चोली वियर करते हैं तो मिरर वर्क उसमें होना चाहिए क्योंकि लाइट्स में वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इम्पॉर्टेंट है कि आप मिरर वर्क की दुपट्टा वियर करें नवरात्रि सीजन में। तो जिस टाइप का दुपट्टा मैंने अभी वियर किया हुआ है, इस टाइप का दुपट्टा आप नवरात्रि सीजन में वियर कर सकते हैं। ये मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे एंड इनकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा कम है, लाइक 400 की अराउंड है इसकी प्राइस। तो ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप इस तरह के दुपट्टे नहीं लेना चाहते तो इस बार आप इन्वेस्ट करें फुलकारी दुपट्टे में। ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं नवरात्रि सीजन में चनिया चोली के ऊपर, क्योंकि इसमें होता है फुल मिरर वर्क, जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं नवरात्रि सीजन में। और अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे दुपट्टे नवरात्रि के लिए मिल जाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि इस बार आपको नवरात्रि सीजन में दुपट्टे में इन्वेस्ट जरूर करें, वो भी मिरर दुपट्टा। इस नवरात्रि सीजन में आप इस तरह की जैकेट परचेज करें, इसमें फुल एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, ये पूरी कलरफुल जैकेट होती है। एंड नवरात्रि सीजन में अगर आप इसे सूट के ऊपर या फिर जीन्स के ऊपर, टॉप्स के ऊपर भी वियर करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देती है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी जैकेट अवेलेबल है, मैंने ये जयपुर बापू बाजार से परचेज की थी। अगर आप जनपद से परचेज करेंगे तो वहां पे भी इसका आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो अगर ऑनलाइन इसका मुझे लिंक मिल गया तो मैं ऑनलाइन भी इसका लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही क्लासी लुक देती है नवरात्रि सीजन में अगर आप इसे वियर करेंगे। जैकेट में भी बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में, जैसे वो व्हाइट कलर में थी कलरफुल, इस टाइप की जैकेट भी बहुत चल रही है। तो वो थोड़ी लॉन्ग जैकेट थी, ये थोड़ी शॉर्ट जैकेट है, इस टाइप का नीचे से इसमें कट लगा हुआ है। तो ये इस टाइप की जैकेट बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में है नवरात्रि सीजन में। तो इस नवरात्रि आप इस जैकेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो गाइस, जो थर्ड टिप है वो ये है कि आप जो भी लिपस्टिक नवरात्रि सीजन में लगाएं वो बोल्ड हो। एक बोल्ड लिपस्टिक और आईलाइनर और थोड़ा सा मेकअप बहुत है नवरात्रि सीजन के लिए, क्योंकि आप डांस करते हैं तो वो पूरा मेकअप इधर से उधर हो जाता है। तो इतना मेकअप नहीं करें, बस एक बोल्ड लिपस्टिक लगा लें। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑरेंज और रेड कलर इस नवरात्रि सीजन ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही बोल्ड सा लुक देता है और आपके लुक को कंप्लीट कर देगा। आपको इतना ज्यादा मेकअप अप्लाई करने की भी नीड नहीं होगी, बस एक बोल्ड लिपस्टिक और आईलाइनर बहुत है नवरात्रि सीजन के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इस बार ये लिक्विड लिपस्टिक ही ट्राई करें, क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक बहुत ही ज्यादा उबर के आती है फेस पे और ना बहुत ही अच्छी लगती है नवरात्रि सीजन में। तो इस बार आप लिक्विड लिपस्टिक ट्राई कर सकते हैं नवरात्रि सीजन में, ये आपको बहुत ही अच्छा लुक देगी। नवरात्रि सीजन में आप इस टाइप से चिन पे बिंदी जरूर लगाएं, ये ब्लैक बिंदी बहुत ही अच्छी लगती है चिन पे, आपके लुक को पूरा कंप्लीट करती है नवरात्रि सीजन में। तो गाइस, अगर आपके पास ब्लैक बिंदी नहीं है, वैसे तो ब्लैक बिंदी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास मिल जाए, और अगर आपके पास ब्लैक बिंदी अवेलेबल नहीं है तो आप काजल और लाइनर से भी इस टाइप की बिंदी लगा सकते हैं। पर मेक श्योर वो काजल और लाइनर वाटरप्रूफ होना चाहिए, नहीं तो स्वेट के कारण आपकी पूरी बिंदी नीचे बह जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, या तो बिंदी ही लगाएं या फिर अगर काजल और लाइनर अप्लाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मेक श्योर कि वो वाटरप्रूफ हो। तो इस नवरात्रि सीजन आप इस टाइप से ये ट्राई कर सकते हैं जिन पे बहुत ही अच्छा लगता है, देख सकते हैं आपकी लुक को कम्प्लीट करेगा। तो गाइस, इस नवरात्रि सीजन के लिए अगर आप कहीं नवरात्रि में जाते हैं तो आपके पास एक्सेसरीज वगैरह मोबाइल फोन तो होता ही है, तो अगर आप उसे ऐसे ही हाथ में लेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लुक देता है, या फिर उसके साथ कोई सा भी अदर पर्स कैरी करते हैं जो आपकी ड्रेस की मैचिंग का नहीं हो तो वो बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है ड्रेस के साथ नवरात्रि सीजन में इधर से उधर हो जाता है सारा डांस करते वक्त। तो मैं इस नवरात्रि सीजन में आपको सजेस्ट करूंगी आप इस टाइप के पर्स में इन्वेस्ट करें, इस टाइप के हैंडबैग में, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही कलरफुल होते हैं, आपकी ड्रेस के साथ बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लुक देंगे। तो लेडीज इस टाइप का पर्स जरूर ट्राई कर सकती है, इसमें आपका पूरी एक्सेसरीज, आपका मोबाइल फोन, आपके पैसे जो भी आप नवरात्रि में लेके जाते हैं वो इसमें अच्छे से कैरी हो जाएगा और बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। और मार्केट में इस टाइप के पर्स भी अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, ये बहुत ही अच्छे सीलिंग बैग होते हैं। तो इस नवरात्रि सीजन आप ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपको अंदर दोनों साइड जिप मिलेगी
एंड अगर आप इसे सीलिंग बैग की तरह साइड में भी लगाएंगे अपनी ड्रेस के ऊपर तो ये बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगता। तो आप इस नवरात्रि सीजन ये वाला पर्स ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये जयपुर बापू बाजार से ही परचेज किए थे, लेकिन अगर मुझे इसके लिंक ऑनलाइन मिल रहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। नवरात्रि सीजन में आप सिल्वर ज्वेलरी में जरूर इन्वेस्ट करें, सिल्वर ज्वेलरी बहुत ही अच्छी लगती है नवरात्रि सीजन में, ड्रेस के साथ पूरा लुक आपको कंप्लीट करती है। आप देख सकते हैं मैंने अभी कुछ सिल्वर ज्वेलरी वियर की हुई है, आप इस तरह की सिल्वर ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस टाइप के बैंगल्स, इस टाइप के टीका में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी लगती है सिल्वर ज्वेलरी। मार्केट में बहुत टाइप की सिल्वर ज्वेलरी अवेलेबल है लाइक दिस, इस टाइप की सिल्वर ज्वेलरी में आप इस नवरात्रि सीजन जरूर इन्वेस्ट करें। अगर आपको मार्केट में ऐसा नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बहुत सारी सिल्वर ज्वेलरी अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है सिल्वर ज्वेलरी क्योंकि उसमें मिरर्स भी होते हैं। तो इस टाइप की सिल्वर ज्वेलरी भी आप इस नवरात्रि सीजन में जरूर ट्राई करें। तो गाइस जो लास्ट एंड फाइनल टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है कि एक अच्छा सा बोल्ड आईलाइनर। आप नवरात्रि सीजन में अगर कहीं पर डांस करने के लिए जाते हैं तो आपको जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा मेकअप करना है क्योंकि बहुत ज्यादा नाइट का टाइम होता है तो मेकअप इतना ज्यादा दिखता भी नहीं है। और सेकंड थिंग कि अगर आप ज्यादा मेकअप करेंगे तो वो आपको डर रहेगा कि मेकअप नहीं हट जाए क्योंकि डांस करते वक्त बहुत ज्यादा स्वेट आते हैं। तो बस जरूरी है कि आप एक अच्छी सी बोल्ड लिपस्टिक लगवा लें और एक अच्छा सा बोल्ड आईलाइनर, इनफ होता है ये। तो पर आप ऐसा आईलाइनर यूज करें जो कि वाटर प्रूफ हो। तो मैं आपको आज सजेस्ट करने वाली हूँ कि आप काजल से भी आईलाइनर लगवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काजल है, NYB के काजल से बहुत ही अच्छा थिक आईलाइनर लगता है, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है, और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है, 6 से 7 आवर्स आपके कहीं भी नहीं जाएगा चाहे आपके कितने ही स्वेट आ जाएं। और इस तरीके का नायका का आईलाइनर लिक्विड लाइनर भी यूज कर सकते हैं, ये भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी, ये भी बहुत ही अच्छा आईलाइनर है। तो आप जब भी कोई आईलाइनर नवरात्रि सीजन में ट्राई करें तो मेक श्योर वो वाटर प्रूफ हो एंड लॉन्ग लास्टिंग हो। जिससे आज मैंने आपके साथ शेयर किए नवरात्रि के कुछ टिप्स एंड आई होप आपको ये टिप्स पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। बाय गाइस।